नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विजन मीडिया पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन और उसके बनाने की विधियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए देखते हैं। मेथिल पॉइंट नंबर वन है, मेथिल और एथिल क्लोराइड गैस हैं जबकि अन्य द्रव होते हैं। मतलब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड गैस हैं, बाकी अदर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। और ब्रोमाइड में ब्रोमाइड जो होता है मेथिल ब्रोमाइड, उसमें गैस है और अन्य द्रव होते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय, जो एल्किल हैलाइड होते हैं आपके वो जल में अविलेय, मतलब जल में नहीं घुलते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर, एल्कोहल, एसीटोन और बेंजीन, बेंजीन जैसे विलायकों में बेंजीन में विलय होते हैं। जैसे मतलब कि एल्किल हैलाइड जल में नहीं, अब जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों ईथर और एल्कोहल में विलय होते हैं। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। तो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में C2H5Br लेंगे, एथिल ब्रोमाइड लेंगे हम, और इसकी रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे। मॉइस्ट मतलब नम, सिल्वर ऑक्साइड लिखेंगे और उसके साथ वाटर का प्रयोग करेंगे, इस नम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा C2H5OH, और इसमें बनेगा साथ में AgBr बाहर हो जाएगा। देखते हैं इसके रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर हम इसके दो मोल लेंगे और इसके भी हम दो ही मोल लेंगे, Br दो यहाँ पर भी हम दो मोल लेंगे इसके। तो हमारा ये एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल में एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल हो जाएगा। और ये सिल्वर ब्रोमाइड और ये हमारा एथिल एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा मॉइस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहलाता है, इसका प्रयोग करके हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो एल्किल हैलाइड में हम लेंगे यही एथिल ब्रोमाइड ही लेंगे हम, C2H5Br, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखेंगे HO, ये NOH लिखा है। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो फिर हमें एथेनॉल बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, एथेनॉल C2H5OH, और इसमें सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा और ये हमारा एथिल ब्रोमाइड मतलब एल्किल हैलाइड के रूप में हमने एथिल ब्रोमाइड लिया था। तो हमारा ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होगी। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONa, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया हमारा। इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराएंगे हम C2
H5Br हमारा एल्किलेलाइड हो जाएगा। इसके रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे। ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में हम सोडियम एथॉक्साइड लिखेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा C2H5O प्राप्त होगा, और साथ में NaBr सोडियम ब्रोमाइड बार हो जाएगा। ये हमारा डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ये अब रिएक्शन कराएंगे। ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है आपकी, इसको हम एथिल ईथर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ईथर बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है। इस रिएक्शन का प्रयोग हम ईथर बनाने में भी करते हैं। तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी मोनोकार्बोनिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में हमें ईस्टर प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो एस्टिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट लेंगे C3COO Ag+Br C2H5। ये हमारा एल्किलेलाइड हो जाएगा और ये हमारा मोनोकार्बोनिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट हो जाएगा। हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से AgBr ये बाहर हो जाएगा। AgBr तो हमारा बनेगा CH3COO C2H5 और हमारा AgBr बाहर हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा एथिल मेथिल एसीटेट। ये हमारा एथिल मेथिल एसीटेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो हमारा एथिल मेथिल एसीटेट प्राप्त होगा। ये हमारी ईस्टर बनाने की भी विधि है। ईस्टर प्राप्त होता है इसमें। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी एल्किल हैलाइड और सोडियम एथेन थायोलेट के साथ जब कराएंगे तो हमारा थायो ईथर प्राप्त होगा। हम रिएक्शन कराएंगे C2H5Br+ सोडियम एथेन थायोलेट लिखेंगे। ये हो गया हमारा। जब इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारा डाई एथिल थायोलेट प्राप्त। तो लिखेंगे C2H5 और सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड ये बाहर हो जाएगा। NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे इसमें हमारा थायो ईथर बना, जिसे हम डाई एथिल थायो ईथर बोलेंगे। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। इसकी रिएक्शन विद अमोनिया
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे। एल्किल हैलाइड में हम सोडियम ब्रोमाइड ही लेंगे, एथिल ब्रोमाइड ही लेंगे, एथिल ब्रोमाइड लेंगे और अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे, एन एच थ्री होता है सूत्र, एच एन एच टू ऐसे लिखेंगे हम। अब इसके रिएक्शन, ये कंडीशनल रिएक्शन होती है, इसमें एक क्या होता है कि एक बंद नली होती है उसमें एल्कोहल युक्त अमोनिया का प्रयोग करते हैं, तो ये कंडीशनल रिएक्शन होती है, इसमें लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तब ये रिएक्शन होती है, और इसमें पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद फिर क्वार्टरनरी अमोनिया प्राप्त होता है, क्वार्टरनरी अमोनिया साल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशनल रिएक्शन, तो इसमें हम एल्कोहल का प्रयोग करेंगे, एल्कोहल और 100 डिग्री टेम्परेचर का प्रयोग करेंगे वो, और एक बंद नली होती है, तो इन सील्ड ट्यूब जी, तो हमारे रिएक्शन हो गए C2H5H2। यहाँ से HBr बाहर होगा, HBr को हम बाहर कर देंगे, ये फिर रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन में अब आगे फिर इससे होती है हमारा एल्किल हैलाइड एथिल ब्रोमाइड के साथ, तो रिएक्शन होती है C2H5Br के साथ, तो इसमें फिर HBr बाहर होगा, तो बनेगा हमारा C2H5 और यहाँ पे NH, यहाँ पर फिर C2H5। ये हमारा 1 डिग्री अमीन होगा और ये हमारा 2 डिग्री अमीन। अब इसकी रिएक्शन आगे होगी, यहाँ पर फिर एथिल ब्रोमाइड C2H5Br के साथ हो गए, तो फिर HBr बाहर होगा रिएक्शन में, अब C2H5 के साथ जुड़ेगा। इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है, फिर हमारी रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड के साथ होगी, तो फिर HBr बाहर होगा, तो इसमें फिर नहीं, इसमें HBr बाहर नहीं होता, सॉरी HBr इसमें बाहर नहीं होगा क्योंकि हमारे पे H है नहीं, तो HBr बाहर नहीं होगा, यहाँ पर सारे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर C2H5 ऐसे ये हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगाएंगे और यहाँ पर ब्रोमीन लगाएंगे और इसमें माइनस चार्ज, ये हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट हो जाएगा, और ये हमारा 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, तो फिर हमारी ये 3rd नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट और ये हमारा 3rd डिग्री अमीन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, तो फिर हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसे होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऐसे माइग्रेट करेंगे, और इसमें ये जो होते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे से शेयरिंग होगा, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा,
तो मैं यहाँ पर प्लस चार्ज ब्रोमीन के पास आपके यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलेगा तो 8 पूरा हो जाएंगे, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हमारा क्वार्टर नहीं अमोनियम साल्ट बना देगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी पोटेशियम साइनाइड के साथ होगी, तो इसमें एथिल साइनाइड बनता है, एथिल साइनाइड बनता है, रिएक्शन कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड लेंगे, और पोटेशियम साइनाइड KCN का प्रयोग करेंगे, KCN लिखेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो KBr बाहर हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr बाहर हो जाएगा और हमारा बन जाएगा C2H5CN बन जाएगा, तो इसे एथिल साइनाइड बोलेंगे, या ये एथिल साइनाइड हमारा बन जाएगा एथिल साइनाइड। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो सिल्वर साइनाइड के साथ होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, ये रिएक्शन हमारी सिल्वर साइनाइड के साथ होगी, AgCN सिल्वर साइनाइड जब कराएंगे तो इसमें आइसो साइनाइड बनता है, इस रिएक्शन में हमारा साइनाइड और इस रिएक्शन में आइसो साइनाइड बनता है, तो हम लिखेंगे C2H5Br और AgCN की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा C2H5NC ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आइसोसाइनाइड होगा, तो आइसोसाइनाइड होगा तो हो गया, तो फिर हमारा लिखेंगे यहाँ पर हमारा AgBr बाहर होगा, यहाँ पे AgBr बाहर हो जाएगा, रिएक्शन ये एल्कोहल के प्रेजेंस में भी कराते हैं, एल्कोहल के प्रेजेंस में कराते हैं, रिएक्शन एल्कोहल के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड देते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड, ये हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, ये हमारी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम एल्कोहल के प्रेजेंस में कराते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है, ये हमारी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन हमारी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन हमारी एल्कोहल के प्रेजेंस में होती है सिल्वर नाइट्राइड की, सिल्वर नाइट्राइड कराएंगे हम, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस AgNO2 के रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो हमारा C2H5NO2 प्लस AgBr बाहर हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रो एल्केन हो जाएगा, इस रिएक्शन में एल्कोहल का प्रयोग करेंगे तभी यह रिएक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन है, एल्किलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइड, इस रिएक्शन में भी हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, एक्वस C2H5OH का प्रयोग करेंगे, अभी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में एल्किल नाइट्राइड नाइट्राइड प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्राइड
इधर मेथिल नाइट्राइड प्राप्त होता है, रिएक्शन कराएंगे C2H5Br और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड का प्रयोग करेंगे, रिएक्शन कराएंगे एक्वस C2H5OH की प्रेजेंस में, तो हमारा ये सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड NaBr बाहर हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा C2H5O ये बॉन्ड C2H5O, उसके बाद N डबल बॉन्ड, ये हमारा एथिल नाइट्राइट हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट, ये हमारा नाइट्रोएथेन, ये हमारा नाइट्रो एथेन हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रोएथेन और ये हमारा एथिल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट, तो दो अलग अलग रिएक्शनें होती हैं, इन दोनों रिएक्शनों में अलग अलग इसमें एथिल नाइट्राइट नाइट्रो एल्केन मतलब नाइट्रो एथेन बनता है और इसमें एथिल नाइट्राइड बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।